इस मूवी का स्टार्ट दो किंगडम्स के दरमियान एक जंग से होता है, जिसमें से एक किंगडम का नाम जिन किंगडम था, जबकि दूसरे किंगडम का नाम याओ किंगडम था। जिन किंगडम ये जंग जीतकर पूरी दुनिया पर हुकूमत करना चाहते थे, जिसका मतलब था उनके इरादे नेक नहीं थे, जबकि दूसरी तरफ दूसरे किंगडम वाले यानी याओ किंगडम के लोग बहुत पीसफुल थे और इसीलिए वो पूरी दुनिया में अमन फैलाना चाहते थे। याओ किंगडम के जनरल का नाम जियानलिंग था और उन्हें हराना सबसे ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एक ब्लू ड्रैगन रहा करता था और उसी ड्रैगन की पावर्स की वजह से उन्हें कोई भी नहीं हरा सकता था। असल में ब्लू ड्रैगन्स का असल नाम सियान ड्रैगन्स था, जो कि इस मूवी का नाम भी है, और ये सियान ड्रैगन्स बहुत नस्लों से लिंक फैमिली के अंदर रहा करते थे, यानी वो लिंक फैमिली के लोगों की बॉडीज को एज अ होस्ट यूज किया करते थे। और अब क्योंकि वो सियान ड्रैगन जियानलिंग के अंदर था, इसीलिए वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और जियानलिंग की वजह से ही याओ किंगडम जंग जीतने ही वाले थे। और इससे पहले कि वो जंग पूरी तरह जीते, यहाँ पर जिन किंगडम के कुछ और लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, जिनके अंदर कुछ खास पावर्स थी, और उन्होंने आते ही याओ किंगडम का तख्ता उलट दिया था, क्योंकि जिन किंगडम के जो नए लोग आए थे उनमें से एक ने जमीन के नीचे से एक ऐसे ड्रैगन को बुलाया था जिसके एक ही अटैक से पूरी की पूरी याओ आर्मी खत्म हो गई थी। और ये देखते हुए कि वो लोग अब हार रहे हैं, जियानलिंग ने अपने अंदर सियान ड्रैगन की पावर्स को उन सबको हराने के लिए जगाया था और उन्हीं पावर्स का यूज करते हुए जमीन से नीचे निकले हुए ड्रैगन को बहुत ही आराम से आसमान से उठाकर जमीन पर गिराते हुए मार दिया था। लेकिन याओ आर्मी को खतरा सिर्फ इस ड्रैगन से नहीं था, जिन आर्मी के बाकी लोगों के पास भी इसी तरह की बहुत सी पावर्स थी और वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए याओ आर्मी के लोगों को मार रहे थे। और जिन आर्मी के लोगों से लड़ने के लिए पावर्स सिर्फ जियानलिंग के पास थी, इसीलिए अब वो अपने लोगों को नहीं बचा पा रहा था। और इसी दौरान अब जमीन के नीचे से एक और ड्रैगन निकला था जियानलिंग से लड़ने के लिए और उसने जियानलिंग को जख्मी कर दिया था। ये देख कर कि जियानलिंग बहुत ज्यादा जख्मी है, उसकी आर्मी का एक आदमी उसको बचाने के लिए आता है, पर जियानलिंग अब ये जान चुका था कि वो मरने वाला है, इसीलिए वो अपने अंदर से ड्रैगन पावर्स निकाल कर लियो को दे देता है, यानी उस आदमी को जो जियानलिंग को बचाने आया था। और जियानलिंग लियो से कहता है कि तुम ये पावर्स लेकर जल्दी से शहर चले जाओ और वहाँ जाकर मेरी छोटी बहन शियानलिंग से मिलो। यहाँ लियो को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, उसे जियानलिंग की बात मानकर जंग छोड़ देनी चाहिए या अपने आप और बाकी सब लोगों को बचाने के लिए लड़ना चाहिए। लेकिन जियानलिंग के फोर्स करने पर अब वो अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ पर जाता है जहाँ उसने जियानलिंग की बहन से मिलना था। जिसके बाद यहीं से सीन कट होता है और हमें शियानलिंग को दिखाया जाता है, वो यहाँ कुछ आदमियों के साथ लड़ने की ट्रेनिंग ले रही थी, जिसे देखते हुए हमें पता चला था कि उसके पास भी उसके भाई जियानलिंग की तरह लड़ने की खास एबिलिटीज हैं, और वो ट्रेनिंग भी इसलिए ले रही ताकि वो अपने भाई की तरह अपने आप को सियान ड्रैगन की पावर्स को और अपनी किंगडम को बचा सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियू भी यहाँ पर पहुँच गया था और वो शियानलिंग से कहता है कि उसे उसके जनरल जियानलिंग ने भेजा है और लियू के पास कुछ ऐसा है जो वो शियानलिंग को दिखाना चाहता है, और लियू अब उसको अपनी बॉडी में से ड्रैगन निकाल कर दे रहा था। लेकिन ड्रैगन एक मिनट के लिए निकल कर दोबारा लियू की बॉडी के अंदर जज्ब हो गया था, और ये देख कर शियानलिंग भी बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि ये ड्रैगन हमेशा लिंक फैमिली पर ही ट्रस्ट किया करते थे, जबकि लियो का लिंक फैमिली से कोई भी ताल्लुक नहीं था। जिसके बाद वो लियो को लेकर एक अजीब टेंपल के अंदर आती है और वो उसे यिन किंगडम और याओ किंगडम के दरमियान सदियों से चली आ रही इस लड़ाई का पास्ट बताती है। वो कहती है कि यिन किंगडम हमेशा से इस दुनिया पर कब्जा करना चाहते थे, जबकि याओ किंगडम इस दुनिया को बचाना चाहते थे, और इसीलिए लिंक फैमिली जो के पहले याओ किंगडम के बादशाह हुआ करते थे, सैन ड्रैगन्स ने उन्हें अच्छा समझकर अपनी पावर्स के लिए होस्ट चुना था, यानी वो लिंक फैमिली के लोगों की बॉडी के जरिए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करवाना चाहते थे। वो उसको कहती है कि कहानी बस यही खत्म नहीं हुई थी, बल्कि ये ताकत जब सबसे होते हुए मेरे भाई तक आई थी तो वो उसे पूरी तरह संभाल ना सके, और जंग के अंदर वो पावर्स कमजोर होने की वजह से उनके अंदर का सियान ड्रैगन एक छोटे से ब्लू ड्रैगन में चेंज हो गया। जिसके बाद शियानलिंग यहाँ टेम्पल में से एक ऐसा पत्थर उठाती है जिसकी हेल्प से वो लियो की बॉडी में से ड्रैगन को बाहर निकाल सकती थी, लेकिन वो ये देख कर हैरान थी कि सियान ड्रैगन लियो की बॉडी से बाहर निकलने को तैयार ही नहीं था। और ये देखकर शियानलिंग बहुत ज्यादा हैरान थी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ये ड्रैगन्स लिंक फैमिली के अलावा किसी पर भी ट्रस्ट नहीं किया करते थे और वो एक लॉन्ग टाइम से लिंक फैमिली के लोगों के अंदर ही रह रहे थे, तो अब इस ड्रैगन ने लिंक फैमिली के मेंबर को छोड़कर किसी और को अपना होस्ट चुन लिया था। जिसके बाद ये सब देखते हुए शियानलिंग लियो को अपने घर रुकने का कहती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हमें दोबारा शियानलिंग को जॉन किंगडम के किंग के पास दिखाया जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका भाई मर चुका है और उसके
मरने के बाद ड्रैगन भी अब वाइब हो चुका था, जबकि दूसरी तरफ अब हमें लियो को दिखाया जा रहा था जो कि शाओलिन के घर के अंदर अपनी बॉडी के अंदर से उस ड्रैगन को बाहर निकालता है और वो दोनों यानी ड्रैगन और आपस में एक दूसरे से बात करने की कोशिश करते हैं, पर लियो ड्रैगन की काफी सारी बातें समझ ही नहीं पाता और सीन्स दोबारा शाओलिन पर शिफ्ट होते हैं। और यहाँ किंग अब सब लोगों से मशवरा मांग रहे थे कि उन्हें इस जंग को खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए, और अब यहाँ पर ज़ियान लिंग उन सबको बताती है कि बेशक मेरे भाई मर चुके हैं लेकिन हमारे पास से ड्रैगन गायब नहीं हुआ, यानी हमारी पावर्स अभी खत्म नहीं हुई है। वो सबको बताती है कि ड्रैगन ने अपना न्यू होस्ट चूज कर लिया था जो कि उसी जंग में याओ किंगडम के लिए लड़ रहा था, लेकिन अब उसकी बात सुनकर सभी लोग हंसने लग गए थे क्योंकि उनका ख्याल था कि सियान ड्रैगन की सारी पावर्स सिर्फ लिंग फैमिली के लोग ही हैंडल कर सकते हैं अपनी फाइटिंग स्किल्स की हेल्प से। उन लोगों का ख्याल था कि अगर उस ड्रैगन ने एक आम इंसान को चुन लिया है अपने होस्ट के तौर पर तो वो इंसान उस ड्रैगन की पावर्स को खत्म कर सकता है क्योंकि उससे सियान ड्रैगन की पावर्स कंट्रोल ही नहीं होंगी और वो चीजों को गड़बड़ कर देगा, इससे हर एक को खतरा होगा। इन सबकी बातों के दरमियान में सियान लिंग दोबारा बोलती है, वो किंग से कहती है कि हमें चैन किंगडम के खिलाफ जंग को लड़ते रहना चाहिए क्योंकि अभी भी हमारे पास ड्रैगन की पावर्स हैं। और यहाँ पर किंग ने भी सबकी बातों को इग्नोर कर दिया था और शाओ लिन को बैटल फील्ड पर जाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद शाओ लिन अपने घर पर वापस आता है और लियो को बताती है कि हम लोग दोबारा बॉर्डर पर लड़ने जा रहे हैं। और यहाँ लियो शाओ लिन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज उसे कुछ ऐसी ट्रिक्स और स्किल्स सिखा दी जाए जिससे वो ड्रैगन की पावर्स कंट्रोल कर सके। और इस बात के बाद हम लोग उनको बॉर्डर तक का सफर तय करते हुए देख रहे थे, जहाँ रास्ते में शाओ लिन ने लियो को उसके कहने के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग भी दी थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने रास्ते में एक खाली घर के अंदर एक रात रहने का फैसला किया था। और यहाँ पर भी लियो ने आराम करने के बजाय अपनी ट्रेनिंग को स्टार्ट रखा था। और यहाँ जब लियो और शाओलिन दोनों आराम कर रहे थे तो आधी रात के वक्त यहाँ पर यन किंगडम के कुछ पावरफुल सोल्जर्स ने उन पर अटैक कर दिया था जो कि असल में यहाँ पर लियो के अंदर से ड्रैगन्स की पावर को छीनने के लिए आए थे। सभी लोग उनसे लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, शाओलिन उन लोगों को अंदर जाने से रोकती है, पर एक आदमी किसी न किसी तरह लियो तक पहुँच जाता है और वो अपनी सारी पावर्स का यूज करते हुए लियो के अंदर से ड्रैगन को निकालने की कोशिश कर रहा था। और क्योंकि लियो को ड्रैगन की पावर्स को कंट्रोल करना नहीं आता था इसीलिए वो बिल्कुल बेबस था और उसके अंदर से ड्रैगन्स की पावर्स को निकाला जा रहा था। पर इससे पहले कि ड्रैगन की पावर्स पूरी तरह उसकी बॉडी से बाहर निकल जाती, यहाँ पर शाओलिन का एक साथी आकर अपनी जान को कुर्बान करते हुए लियो को और ड्रैगन की पावर्स को बचा लेता है। और इसके रिजल्ट में अब शाओलिन ये छोटी सी जंग जीत गई थी, लेकिन इस जंग के अंदर उसके सभी सोल्जर्स मारे गए थे और वो भी अब शदीद जख्मी थी। और अब हम देखते हैं कि काफी देर बाद लियो को होश आया था, जहां वो अपने इर्द गिर्द मरे हुए सोल्जर्स को देखकर शॉक में आ गया था। और अब ये बात सुनकर लियो का सारा हौसला टूट चुका था कि इन सारे सोल्जर्स की मौत लियो को बचाते हुए हुई थी। अब लियो शाओलिन से दोबारा वापस अपने घर चलने को कहता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सियान ड्रैगन की पावर्स को लूज कर देगा, जिसके रिजल्ट में वो यन किंगडम से नहीं लड़ पाएंगे और उनका किंगडम हार जाएगा। लेकिन शाओलिन को उसकी बात बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी थी, वो उससे कहती है कि तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास जो पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बस तुम्हें इनका यूज आना चाहिए। शाओलिन उसे कहती है कि तुम चाहे हार मान जाओ लेकिन मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि इस किंगडम ने इस जंग को जीतने के लिए बहुत से लोगों की कुर्बानियाँ दी हैं जिसमें मेरा भाई भी है। वो लियो से पूछती है कि क्या ये लोग जो यहाँ पर मरे हुए हैं तुम उनके सेक्रीफाइसेस को ऐसे ही जाने दोगे जिन्होंने तुम्हारे और साइन ड्रैगन के लिए अपनी जान दी थी। और ये कहते कहते ही शाओलिन थकन से बेहोश हो जाती है, जिसके बाद लियो उसके जख्मों पर पट्टी करता है। और यहीं से हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब शाओलिन बिल्कुल ठीक हो चुकी थी। लियो उसके खाने के लिए कुछ एप्पल्स लेकर आता है और यहाँ शाओलिन उससे कहती है कि अगर तुम इस ड्रैगन की पावर्स को यूज करते हुए भी जंग नहीं लड़ना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी और अगर तुम घर वापस जाना चाहते हो तो तुम जा सकते हो, लेकिन वो उसे बताती है कि बेशक तुम चले जाओ मैं वापस नहीं जा सकती क्योंकि मैं लिंक फैमिली की आखिरी लड़की हूँ और मुझे किसी न किसी तरह साइन ड्रैगन और इस मुल्क को बचाना है। लियो अब इस बात पर खुश था कि शाओलिन ने उसे लड़ने के लिए फोर्स नहीं किया था, लेकिन इस बात पर उदास भी था कि उसकी वजह से बहुत से लोगों की जान चली गई थी। जिसके बाद से अगले दिन शाओलिन और लियो दोनों अपने अपने रास्तों पर थे, पर रास्ते में लियो को फील होता है कि उसने शाओलिन को अकेले ही छोड़ दिया है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो बहुत ही बहादुरी से लिंक किंगडम के लोगों से लड़ रही थी और उसके हाथ में अब हमने साइन ड्रैगन की पावर्स को भी देखा था, आप भी
किंगडम के सारे छोटे छोटे सोल्जर्स को हराने के बाद उसका सामना एक बहुत बड़ी क्रिएचर से हुआ था। उसके सामने शाओलिन की पावर्स कुछ भी नहीं नजर आ रही थी। यहाँ शाओलिन के लिए भी लड़ना मुश्किल हो गया था और यहाँ अब शाओलिन की हेल्प करने के लिए लियू ने एंट्री ली थी, लेकिन वो ड्रैगन उन दोनों से ज्यादा पावरफुल था और उसने अपने एक ही अटैक से दोनों को दूर गिराया था। उसके बाद शाओलिन दोबारा उठी थी उस पर अटैक करने के लिए और शाओलिन के अटैक से अब वो ड्रैगन मिट्टी में चेंज हो गया था। लेकिन उस ड्रैगन का मिट्टी के अंदर चेंज होना इस बात का साइन नहीं था कि वो ड्रैगन मर गया, बल्कि उस ड्रैगन ने तो शाओलिन को ट्रैप में डाला था और वो शाओलिन को पीछे से स्टैब करने में कामयाब हो चुका था, जिसकी वजह से शाओलिन अब लियू की आंखों के सामने मर गई थी, जिसे देखकर लियू को बहुत ज्यादा दुख हुआ था और इसी दुख ने उसके अंदर बसे हुए ड्रैगन की पावर्स को जगाया था। जिसके बाद हम अचानक लियू को आसमान की तरफ उड़ते हुए देखते हैं और उसके आसमान पर जाते ही चार्ज से आसमान पर ड्रैगन का एक निशान बनता है, जिसका मतलब था कि सियान ड्रैगन की अब पूरी पावर्स वापस आ चुकी हैं, जो कि किसी जंग में जनरल से खो गई थी। और अब लियू सियान ड्रैगन की पूरी पावर्स के साथ दोबारा बैटलफील्ड के अंदर आता है। वो नीचे आकर चीन किंगडम के सारे लोगों से लड़ता है और उनको मार गिराता है, लेकिन जंग अभी भी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अब जमीन के नीचे से चीन किंगडम का एक और ड्रैगन निकला था और यहाँ इस ड्रैगन ने लियू को मुश्किल में डाल दिया था। लेकिन लियू भी अब हार मानने वाला नहीं था। वो बहुत ही चालाकी से वहाँ से दूर जाता है और अपने वेपन को लेकर वहाँ से भागते हुए उस ड्रैगन के दिल पर अटैक करता है, जिससे वो ड्रैगन भी खत्म हो गया था और जो अब बच गया था वो असल में जिन किंगडम का सिर्फ किंग ही था, जिसको खत्म करने के बाद लियू अब इस दुनिया में पीस यानी अमन लाने में कामयाब हो चुका था। जंग जीतने के बाद वो शाओलिन की बॉडी को दोबारा अपने शहर लेकर जाने का फैसला करता है, जो कि इस बैटल फील्ड में मर चुकी थी। और इस मूवी ने हमें सिखाया था कि हमें किसी को भी कमतर नहीं समझना चाहिए, जैसे लियू को सारे कमतर समझा करते थे और उनको लगता था कि सियान ड्रैगन की पावर्स तो लिंक फैमिली के अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि लिंक फैमिली सबसे ज्यादा पावरफुल है और सबसे ज्यादा रिस्पेक्टफुल भी। इस मूवी और लियू के कैरेक्टर ने हमें बताया था कि पावरफुल और कामयाब इंसान वो होता है जो कि अपनी एबिलिटीज को इस्तेमाल कर सबके लिए लड़ता है, जिस तरह लियू ने यहां सब लोगों से लड़कर इस किंगडम को बचा लिया था। और इसी के साथ ही एक्सप्लेनेशन एंड हो जाती है।